नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ये हेलमेट है और ये तोप जैसा कुछ लग रहा है। यस मैम, क्या है ये मुझे बताइए ना। मैम, इसका नाम AI बेस्ड ऑटोमेटिक फायरिंग हेलमेट है। मैम, इसका पर्पज ये है कि हम अपने सैनिकों का बॉर्डर पे जो भी रहते हैं, वहाँ लैंडस्लाइड होता है, आइस स्लाइड होता है, तो वैसे एरिया में वो फंस जाते हैं और हम उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे जगह पे ये उनकी बहुत सारा हेल्प करेगा। मैम, कैसे करेगा काम, कैसे करेगा? मैम, ये काम सबसे पहले तो ये एक कैमरा लगा हुआ है जो मैम HD पोर्टेबल डिवाइस है। मैम, ये चारों तरफ रोटेट हो जाएगा। यस मैम, ये चारों तरफ रोटेट होगा। उसके बाद से ये बैरल है, इसको हमने इलेक्ट्रिक गन में कन्वर्ट किया है। मीन्स कहने का मतलब है इसमें हमने बुलेट को भरा है। उसके बाद से अभी मैम ये तब जाके प्रोटोटाइप है मैम ये, तो इसको हमने बैटरी से कन्वर्ट करके उसके बाद इसे हम बुलेट को फायर करेंगे। ये ट्रिगर है मैम, जब ये ट्रिगर को हम, इसका क्या यूज़ होगा, मतलब ये बुलेट का क्या यूज़ है? मैम, फायर करने के लिए। आप बता रही हैं किसी बिल्डिंग वगैरह में फंस जाएंगे तो क्या यूज़ करें? हमारा बर्फ वाले एरिया होता है, वहाँ हम जैसे बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे हम अपने सामने वाले जवान जो होते हैं उनको तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको हम अपने हाथ से फायरिंग कर लेते हैं, और जो हमारे पीछे से हमारे जो इनमी हैं उनको तो हम देख नहीं पाते हैं। तो उनको हमारे जो कम सीनियर ऑफिसर रहेंगे वो हमारा इसी लाइव लोकेशन देगा, हमारा कैमरा वो हमारा लाइव लोकेशन देके मतलब ऑफिस में जो बैठे रहेंगे वो फायर करेंगे, वो फायर करेंगे इस रिमोट के थ्रू, और वो दोनों भी कर सकते हैं, हम अपने पास भी रखेंगे और ये एक ऑफिस में जमा रहेगा, वो ऑफिस में लोग कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैम, इसके बाद से ये काम करेगा, और ये मैम रिसीवर लगा है यहाँ पे, और ये मैम ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ये क्या है कि जैसे कोई सैनिक है, मान लीजिए ये हेलमेट यहाँ पे है और कोई इसको खोजते हुए आ रहा है कि सैनिक कहाँ पे है, इसको हमको पता करना हो, तो ये हम दूर से लेके आते हैं खोजते हुए, तो ये एक सिग्नल देगा। अगर हम इसके आसपास के रेंज में आ जाते हैं तो ये ग्रीन सिग्नल देगा, इसका मतलब हमें पता चल जाएगा हमारा सैनिक जो है वो इसी रेंज में है और हम उसी रेंज में खोजेंगे। मैम, ये हमारे लिए बहुत ईजी काम होगा कि हम उसी रेंज में खोज पाएंगे, क्योंकि मैम इंडिया तो बहुत बड़ा है, अब हम कैसे खोजेंगे कि कहाँ कहाँ, मतलब एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये भी यूज़ हो सकता है कि जैसे बर्फ के किसी इलाके में कोई जवान शहीद हो गया है तो उसकी बॉडी खोजी जा सकती है। मेन पर्पज हमारा वही था, बॉडी ढूंढने वाला ही मेन पर्पज था कि उनका बॉडी मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत दिनों बाद मिलता है, तो हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं वो कौन सा जवान है। तो मेन पर्पज हमारा वही था, रिसीवर का उसमें लगाने का मेन पर्पज हमारा वही था। ये कैमरा है जिससे हम आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से दुश्मन देख सकते हैं। यस मैम। तो लेकिन जब एक जो जवान जिसके सिर पे ये लगा है वो तो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसके हाथ में गन होगा, कैसे? मैम, इसका जो कंट्रोल है ये जो सोल्जर रहेगा उसके पास भी रहेगा, और जो कंट्रोल रूम में तो उनके हाथ में तो गन होगा ना, मैं ये कह रही हूँ। यहाँ पे जो ट्रिगर है उसके थ्रू वो ऐसे मतलब बहुत आसानी से प्रेस कर सकता है, उसे ज्यादा फोर्स वगैरह नहीं लगाना है, तो गन के साथ वो उसे भी बटन से ये फायर हो सकता है। तो हमें आराम से समझाइए ताकि हम समझ पाए कि ये कैसे काम करता है। देखो, बात ये है कि ये जो बच्चियां हैं इन्होंने इसको बनाया है, तो ये लोग अपनी अपनी भाषा में, जो भी आपकी इंजीनियरिंग वाली भाषा है, जो भी भाषा हो उस भाषा में ये लोग अपना तो बता दे रही हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे कैसे कैसे, तो हमें इत्मीनान से पूछना पड़ रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, उसको आपको समझाना है ये क्या है, ऐसे समझाइए। तो ये मतलब ये फायरिंग के काम में आता है और ये कैमरा है। हाँ मैम, आपने पूछा कि ये तो जो आर्मी होगा जो वियर किया होगा उसको तो ऑपरेट नहीं करेगा। यस, ये सही है मैम, ये एक प्रोटोटाइप है, हम इसको एडवांस में जब बनाएंगे तो ऐसे कई सारे सेंसर्स लगाएंगे मैम, जैसे आर्मी है जो अब वो गिर रहा है, ऐसे हो रहा है, तो उसकी हाथ से या किसी भी चीज़ से ऑब्जेक्टिव सेंसर होगा, उसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट कर लेगा कि हाँ हमारा आर्मी खतरे में है, ऐसा कुछ उसके आगे पीछे आ रहा है, तो मैं वो सेंसर हमारा बहुत सारा हेल्प करेगा उसमें, तो उसके थ्रू हम तो डिटेक्ट कर लेंगे। जो हमारे दूर बैठे कमांडोज होंगे मैम ऑफिस में, उनके पास ये रिसीवर जो है वो होगा, और ये उनको सिग्नल भेज देगा मैम कि हाँ वो जो आर्मी है वो डेंजर में है और हमें उनकी नीड के लिए जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन। और आप सारी लड़कियां हैं? यस मैम, ये हमारे पूरी टीम मेंबर है मैम। और छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करूंगी। आई एम हर्षिता केसरी। कौन सा ईयर है? आई एम हर्षिता केसरी फ्रॉम BCA सेकेंड ईयर। माय नेम इज शाल्वी त्रिपाठी, आई एम फ्रॉम BTech CSE। मैम, ये दोनों अलग अलग है, मतलब ऐसा है? कंप्यूटर साइंस ब्रांच है मैम। अच्छा, आपका कंप्यूटर साइंस है? कंप्यूटर साइंस ही है। अच्छा। मेघना पांडे। मैम, माई नेम इज सोनी राव एंड फ्रॉम BTech ब्रांच। आई एम प्रतिमा यादव फ्रॉम BTech ब्रांच। आई एम अंकिता कुमारी फ्रॉम BCA ब्रांच। माई नेम इज प्रतिमा गोस्वामी फ्रॉम BCA ब्रांच। कौन थर्ड ईयर का है?
अच्छा आप तीन लोग थर्ड ईयर गए। अच्छा दो लोग सेकेंड ईयर गए, ठीक है। तो ये जो है अगर इसको समझिए, ये है तो बहुत हेल्पफुल, लेकिन जिनको समझना है वही लोग नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग क्या